नमस्कार, मैं दिव्यांशी दोस्ती स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। अमेरिकी सेना के आखिरी सैनिक के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कथित इस्लामिक भूमि को मुक्त करने के लिए वैश्विक जिहाद का आह्वान किया है। वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि अलकायदा ने इस बयान में पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को शामिल किया है जबकि चेचनिया और शिनजियांग को हटा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बयान में कश्मीर को शामिल करना पाकिस्तान का उद्देश्य है न कि तालिबान का। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यह अपने आप में दिलचस्प है कि कश्मीर बयान में शामिल है जबकि चेचनिया और जिनजियांग नहीं है। केवल पाकिस्तान ISI ही इस तरह अपने पत्ते खेल सकता है। उनके अनुसार हालांकि बयान का भी विश्लेषण किया जा रहा है लेकिन यह भारत के लिए चिंता का एक गंभीर कारण है। अलकायदा दुनिया में मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है और यह मानवता के लिए खतरनाक है और पाकिस्तान अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से अयमान अल जवाहिरी की मेजबानी और नियंत्रण में अपने हाथ दिखा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हेबतुल्लाह अखुंदजादा भी पाकिस्तान ISI की हिरासत में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक अन्य पहलू जिसका सरकार गहराई से अध्ययन कर रही है वो है ईरान में अलकायदा से सहानुभूति रखने वालों और आतंकवादियों के परिवारों की उपस्थिति। संकेत है कि उनमें से कई अब अफगानिस्तान लौट आएंगे। हालांकि यह एक शिया बहुल देश है लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि यहां तक सामरिक फायदे का सवाल है तो शिया और सुन्नी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, कम से कम एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं। इस बीच अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर दिल्ली और कश्मीर में लगातार बैठकें हुई हैं जिनमें LOC पर घुसपैठ और लॉन्च पैड्स के दोबारा सक्रिय होने की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा की गई है। घाटी में सामरिक संचालन के प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि लश्कर और जैश दोनों ही बेखौफ हो गए हैं और अधिक से अधिक आतंकवादियों को घाटी में धकेलने में अपने प्रयासों को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अधिकारी के अनुसार हमारी एजेंसियों द्वारा इंटरसेप्ट की जा रही बातचीत से संकेत मिलता है कि LOC के पार छोड़े गए लॉन्च पैड्स को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। दिल्ली के एक सूत्र ने बताया कि हम इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि तालिबान द्वारा दिए जा रहे सार्वजनिक आश्वासन जमीन पर कैसे काम करते हैं। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।